ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज़ के ट्राई सिटी ई अधिवेशन में फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे फिर से चंडीगढ़ की। कोरोना के बढ़ते असर के बीच देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा, चंडीगढ़ में भी लगा, कभी नाइट कर्फ्यू लगा तो कभी वीकेंड लॉकडाउन लगा, ऐसे ही कई और तरह की पाबंदियाँ भी लगी। चंडीगढ़ शहर सुनसान हो गया। एक ऐसा समय भी आया जब कोविड पीड़ित शवों को उठाने से इनकार भी कर दिया गया। ऐसी कई चुनौतियां आई। ऐसे में बड़ा सवाल कि चंडीगढ़ के मेयर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, यही है हमारे अगले और आखिरी सत्र का नाम, और इसे आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौड़। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा जी। रंजना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया नीलम। जिस तरीके से जिक्र आप कर रही हैं कि एक दौर हमने देखा जहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा और उसके बाद लॉकडाउन, और अब एक बार फिर से चंडीगढ़ अनलॉक की प्रक्रिया में है, लोगों को रियायतें दी जा रही हैं। इन सब के बीच मैं समझती हूं कि अब नगर निगम की जो चुनौती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग घरों में थे लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यही वजह है कि खास सत्र में हमने चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा को बुलाया। बहुत स्वागत है सर आपका इस सत्र में जुड़ने के लिए। बात हम करेंगे कि किस तरीके से चुनौतियों का आपने सामना किया, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जनता तक ये पहुंचाना भी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे निकालकर आप क्षेत्र को आज की तारीख में मौजूदा परिस्थितियों में लेकर आए, जहां पर संक्रमण की जो दर है वो लगातार घट रही है। मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस सबसे पहले जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज इस वेबिनार में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने बात करी है कि कोरोना जो है वो अभी जैसे कम भी हो रहा है, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। मगर कोरोना के इस काल में अगर हम पिछले साल से देखें अब तक जो परिस्थितियां रही हैं, और चंडीगढ़ ने जिस तरह परफॉर्म करा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, तो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी इम्प्लाईज ने, जिस तरह से चंडीगढ़ के लोगों ने भी साथ दिया और उनकी गाइडलाइन का पालन करा, ये बहुत ही सराहनीय है। और कोरोना की जंग जीतने के लिए सबने बहुत सहयोग। बिल्कुल रविकांत जी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कोरोना के दौरान जो हालात हमने देखे, चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिली, बहुत समस्याएं सामने आई, गंदगी का अंबार देखने को मिला, नगर निगम पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन इन सब के बीच आप खुद सड़कों पर उतरे जनता की सेवा के लिए। किस तरीके से आपने नगर निगम को सारथी बनाकर जन सेवा करी, वो एक्सपीरियंस और वो चैलेंज क्या कुछ रहा? देखिए रविकांत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जब कोरोना आया था मार्च के बाद, जो हम लोगों में एक ऐसा भय था, उस समय कोई उपचार भी नहीं होता था, मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ उस समय पे लास्ट ईयर सितंबर में। और हमने जिस तरह से जैसे ही लास्ट ईयर कर्फ्यू शुरू हुआ था उसके बाद से हम जनसेवा में उतरे, और हर वार्ड में लगभग हमारे काउंसलर ने लंगर चलाया, हमारी पार्टी की तरफ से भी हम सब ने लंगर चलाए हैं, और जिस तरह से उन गरीब लोगों की, जिनके जो डेली का कमाते थे खाते थे, उन सब के लिए सेवा के काम करे हैं, मुझे लगता है पूरे शहर भर में बहुत सराहनीय रहे हैं और देश भर में भी बहुत सराहनीय हुए। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जैसे आपने बोला कि हमारे सफाई कर्मचारी स्पेशल, जो उन लोगों ने कोरोना पीरियड में काम करा, मुझे लगता है उनसे बड़े कोरोना योद्धा और नहीं हो सकते। वो लोग तो उन चीज़ों को डायरेक्टली टच करते थे, जो कोरोना पेशेंट का भी घर से वो कूड़ा उठाते थे या उनकी वो सारा डिस्पोज ऑफ उठाते थे, तो बहुत ही उन लोगों ने जिस तरह से काम करा। और सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो चंडीगढ़ मुझे लगता है अपने आप में तो बहुत सुंदर शहर है, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर सुंदर नहीं है, मगर आज की डेट में कुछ पैरामीटर चेंज हुए जिसकी वजह से हम रैंकिंग वगैरह में कभी पिछड़ते हैं तो हमें लगता है, मगर आज भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में जहाँ भी कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, जब ऐसे भी रूटीन में सफाई व्यवस्था की और पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और युद्ध स्तर पर इसको अभी एक महीने से हमने जो सफाई व्यवस्था के अभियान को लेकर चल। बिल्कुल रविकांत जी, एक वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ को वॉर रूम बनाया गया ट्राई सिटी का, बहुत बड़ी चुनौती वो थी किस तरीके से वॉर रूम सेटअप किया गया और वो कौन सा एक्शन प्लान था जिसको अमल में लाया गया, और ट्राई सिटी को आज उन हालातों से निकाल कर मौजूदा परिस्थिति में लाया गया जहां पर रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी, उसमें जैसे ही कोरोना आया था उस समय पे हमारा लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जब निर्णय लिए तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर हम चंडीगढ़ के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करते थे तो साथ में ट्राई सिटी में वो स्टेटें नहीं करती थी, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्राई सिटी में हमारे लोग उधर चले जाते थे या जब यहाँ पे खुला होता था तो उधर के लोग इधर आते थे, तो ये वार रूम के माध्यम से
ट्राई सिटी का जिस तरह से कोऑर्डिनेशन करा है, गवर्नर साहब ने, एडवाइजर साहब और सारी टीम ने करा है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और शहरवासियों ने भी इसमें बहुत साथ दिया है ताकि कोरोना ना फैले, उन्होंने भी पूरी तरह से इन चीज़ों का पालन किया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब आई चूंकि चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, बड़ी तादाद में NRI यहाँ पर आते हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रवासी यहाँ पर पहुँच रहे थे, तो समस्या तो ये थी कि पहले ही मेडिकल सुविधाएं जो कोलैप्स होती हुई नजर आ रही थी, क्षेत्रवासियों को कैसे मुहैया करवाएं मेडिकल सुविधाएं, ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर आपको सर्व करना था, उस बैलेंस को कैसे बिठाया, वो दिनों के बारे में अगर आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, ये जो कोरोना काल जो चल रहा था उस समय पे आपने देखा कि अलग अलग बहुत सारे NGO, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई और उन्होंने लोगों की हेल्प करी, मगर बींग ए कॉरपोरेशन एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस के मामले में लोगों का जिस तरह से ध्यान रखा गया, मुझे लगता है कभी हमारे ऑफिसर्स ने, जो IAS है या और ऑफिसर है, कभी उन्होंने लाइफ में सोचा नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। सुबह 3 बजे उठ के जिस तरह से हमारे इवन कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब खुद मोर्चा संभालते थे ताकि लोगों को फल सब्जी हर चीज़ उनके घर पे, दूध या ब्रेड जो भी है, सब चीज़ असेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके घर तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से काम किया है और सब लोगों ने मिलके काम करा है वो बहुत ही सराहनीय, और हमने अपनी पार्टी की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर हमने लॉन्च करे थे और बहुत सारे काम ऐसे करे हैं। शायद इससे पहले आपको भी पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है लगभग 1.25 लाख की फूड पैकेट पर डे जो लोगों को दे रही थी, उसमें 70,000 फूड पैकेट ऑन रिकॉर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन गिन के उनके पास डेली एंट्री होती थी, 70,000 फूड पैकेट हमने अपनी पार्टी की तरफ से पर डे हम देते रहे हैं, तो इनमें सब ने काम करा है। और हमने मेडिसिन भी मुफ्त में, मेडिसिन जितनी बांट सकते थे वो, जिन लोगों के फोन आते थे जिनके पास नहीं है, जो नहीं खरीद सकते उनको खरीद के दी, कुछ लोग ऐसे थे जो घर से बाहर लेने नहीं जा सकते, सीनियर सिटीजन थे उनके लिए वॉलंटियर लगाए थे, तो वो उनको वो सारी सर्विस प्रोवाइड करें। बिल्कुल रविकांत जी, लेकिन इन सबके बीच जितना बड़ा क्षेत्र, जितना बड़ा शहर, उतनी ही बड़ी समस्याएं भी होती हैं। निजी अस्पतालों का जो रवैया देखने को मिला वो अपने आप में भयावह रहा। इन सबके बीच कालाबाजारी को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही थी, उस पर कैसे कंट्रोल पाया गया और आने वाले समय में वो दोहराई ना जाए, क्योंकि त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, उसको लेकर रोड मैप क्या तैयार किया गया है? देखिए, जो जैसे आपने देखा कि अभी इस बार जब सेकंड वेव आई है उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी आई है, और कमी नहीं मैं कह सकता इसको, क्योंकि इसमें कालाबाजारी एकदम लोगों ने वो ब्लैक करने की जो आदत है वो उस तरह से उसको, ऑक्सीजन को कई प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी नाम सामने आया, मीडिया में भी सामने आया, जिन्होंने 10 मरीज थे मगर 200 सिलेंडर 300 सिलेंडर रोज दे रहे थे, तो वो जो कालाबाजारी थी इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है और एक आधे हॉस्पिटल के या दो हॉस्पिटल के अगेंस्ट अभी कार्रवाई भी चल रही है, तो उन जब वो कार्रवाई होती उन लोगों ने देखी तो आपने देखा चंडीगढ़ में खासकर कि ये ऑक्सीजन की कमी की बिल्कुल 2 दिन में ही वो सारी चीज़ें गायब हो गई, तो कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी आ गई जब वो आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हम लोग बींग ए रेजिडेंट हम भी पैनिक हो जाते हैं कि कल को हमारे साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते थे तो मैंने पूछा, तो कहते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाइए, हम उनको पूछते थे क्या करना है आपको, तो वो कहते थे हम प्रिकॉशन के लिए घर में रखना चाहते हैं, मैंने उनको एक ही बात कहते थे कि जब बीमारी नहीं थी ऐसी चीज़ थी आप क्यों उसको घर में पहले खरीद के रखना चाहते हैं, जो लोग मरीज हॉस्पिटल में पड़े हैं उनके लिए रहने लीजिए, जब आपको भगवान करे कि आपको ऐसा ना हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए भी अवेलेबिलिटी होगी, तो इस तरह से लोगों को भी मोटिवेट करके ताकि वो पैनिक ना हो, मुझे लगता है इस परिस्थिति को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो काबू पाए। बिल्कुल, जो तमाम दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, मेडिकल सुविधाएं, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है वैक्सीन, उसको लेकर फिलहाल चंडीगढ़ कहाँ खड़ा है, किन परिस्थितियों में आप चंडीगढ़ को देखते हैं और आने वाले समय में इसे कैसे बेहतर किए जाने को लेकर प्लान तैयार किया गया है? देखिए, वैक्सीनेशन जब से आई है सबसे पहले तो मैं देश की सरकार का और देश के उन तमाम जो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस वैक्सीनेशन का आविष्कार किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश बनाए जिसने अपनी वैक्सीनेशन तैयार की है और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट भी कर बहुत सारे देशों ने हिंदुस्तान से मंगवाया है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। वैक्सीनेशन आने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया और बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए लोगों के आगे, देश की जनता कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के बीच में खड़ी थी कि क्या किया जाए, लगवाएं जाना लगवाएं, जब शुरू में आई तो लोगों को बहुत समझाना पड़ता था, मगर उसके बाद ऐसी परिस्थितियां आई जब उन लोगों ने देखा कि राजनीति से काम नहीं चलेगा और देश की जनता पढ़ी लिखी है और वो आगे आके लगवाने लग गया, तो वो खुद लोग आके
आगे आके अपने लिए लगवाने की बात करने लगे कि हम तो लगवाना चाहते हैं। पहले जो लोग ये कहते थे कि ये तो मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है, हम नहीं लगवाएंगे, आज उनको पता चला है कि वैक्सीनेशन हमारे सेहत के लिए और हमारे देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज आप देखेंगे चंडीगढ़ में भी हर रोज कैंप लग रहे हैं, मैं आज भी दो वैक्सीनेशन कैंप लगे थे वहाँ पे जाके आया हूँ। लोग कहीं किसी कैंप में 250, किसी में 300, किसी में 400, इस तरह से लोग लगवा रहे हैं। और 18+ के जब से लगनी शुरू हुई है तो बहुत सारा इसमें बदलाव आया, अब लोग अवेयर हुए हैं, लोग आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ देश में शायद आने वाले समय में पहली ये सिटी बनेगा कि जहाँ पे ये कोरोना पे हम पूरी तरह से जंग की। बिल्कुल शर्मा जी, जैसा कि जिक्र आप विपक्ष का कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से हटकर आम जनता की सहायता करना। ऐसे में जिस वक्त आप सड़कों पर उतरकर मदद लोगों की कर रहे थे, विपक्ष का कितना सहयोग आपको मिल रहा था, जो तालमेल होना चाहिए क्या वो बन पा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, आपने देखा विपक्ष ने तो सिर्फ प्रश्न ही उठाए। आप अगर जनसेवा की भी बात करें, हम जहाँ पे 70,000 फूड पैकेट पर डे की बात कर रहे हैं, तो आप इनसे कभी पूछिए कि आपने कितने फूड पैकेट दिए, तो ये सिर्फ एक ही बात करते थे, ये राजनीति के अलावा इनको कुछ नहीं आता। और जब चंडीगढ़ के विकास की बात हो और चीज़ों की बात हो तो सिर्फ इनको दो ही चीज़ें आती हैं। सदन में भी आप देखते हैं कि जब सदन में भी कोई शहर के विकास से जुड़ा हुआ विषय कोई एजेंडा आता है तो या तो ये बातों पर जाते हैं या इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर कहीं पर अभी एक लेटेस्ट मैं बताता हूँ, 4 दिन पहले हमने दिल्ली में एक गार्बेज प्लांट को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ, उसमें इन लोगों ने ही कहा था कि आप विजिट करवाइए, पहले दिखाइए टेक्नोलॉजी। हम जब गए तो उससे भी जो विड्रॉ कर गए, इनमें से एक भी काउंसलर इंटर नहीं गया। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और शहर के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से पिछली सदन की बैठक के समय में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, आप देखिए, अब मैं आपके साथ वर्चुअल जुड़ा हूँ, अगर मेरे साथ कोई दो लोग और यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो बिल्कुल इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आपको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनेगी ना पता चलेगा, तो उससे जैसा ईगो होती है सबको। तो ये इनके प्रधान वहाँ पे इनको बैठा के, हमारे सारे काउंसलर भी इनको बैठा के वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उसका इन्होंने एक वीडियो बाद में वायरल करा। आप देखिए कि किस तरह से ये चंडीगढ़ की जनता को इन्होंने अपने आप ही बता दिया कि हम जो 4-5 लोगों को गलती से उनके भेजा था, आगे के लिए वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज शहर में इस बात की चर्चा है, इन काउंसलर को भेजने का फायदा क्या था, अगर इन्होंने पीछे अपने आकाओं के कहने पे ही बात करनी है, उनके कहने से आगे इंस्ट्रक्शन देनी के बाद ही काम करना है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे काउंसलर का होना सदन में भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका बिल्कुल रविकांत जी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक ऐसा वक्त है जहां पर राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सहायता करनी होगी, क्योंकि अभी ये त्रासदी खत्म नहीं हुई है, हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ से आपकी डबल होने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही है, इन सबके बीच मानसून अब दस्तक दे रहा है। मैं समझती हूँ कि आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि मैं किस सिलसिले में बात कर रही हूँ, क्योंकि मानसून आते ही बीमारियां लगातार पनपने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कोरोना काल में ही हमने गंदगी का जो अंबार देखा, स्वच्छता को लेकर जो समस्याएं चंडीगढ़ झेल रहा था उसकी तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में मानसून में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए, क्योंकि जल से होने वाली जो संक्रमित बीमारियां होती उसके फैलने का खतरा लगातार बना रहता है, कोरोना तो लगातार बना ही हुआ है और साथ ही साथ गंदगी से होने वाली बीमारियां, उन सबसे जनता बचे उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे कॉर्पोरेशन की सफाई व्यवस्था की और मानसून से रिलेटेड अगर बात करें, तो अभी हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी टेंडर थे आज की डेट में जिस स्तर पे काम चल रहा है, जितनी भी रोड गलियाँ हैं, हमारा सीवर स्टॉर्म का जो काम है, जो इनकी रोड गलियों को साफ करने का काम है, वो सारे टेंडर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं और ऑलरेडी जो सेक्टर वाइज जो है वो रोड गलियों की सफाई बड़े जोर शोर से चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अब मानसून वैसे तो दस्तक दे चुकी है, जिस तरह से जैसे ही बारिश वगैरह ज़्यादा बढ़ती है तो किसी तरह की वाटर लॉगिंग की और समस्या मुझे लगता है कि शहर में बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे बंदोबस्त इस बार भी करे हुए हैं और हमारी सारी टीम जो कॉर्पोरेशन की है, हमारे चीफ इंजीनियर की अगुवाई में, वो अच्छे से काम कर रही है। और मैं खुद भी कई जगह पर जाके सरप्राइज विजिट करके भी मैं देखता हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि तमाम बंदोबस्त उसको लेकर हो। इस बीच शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब चंडीगढ़ अनलॉक की प्रक्रिया में है, हालांकि बीमारी के मद्देनज़र तो हम बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां पर संक्रमण के जो दर है वो लगातार घट रही है, आंकड़े भी कम हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो लोग बेरोजगार हुए हैं, खासतौर पर मैं जिक्र कर रही हूँ जो
हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, उनके लिए जो जीवन यापन की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी लाइफ जो ऑफ ट्रैक हुई है उसको ट्रैक पर लाने के लिए बंदोबस्त क्या कुछ किए जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बीमारी से नहीं मरेंगे तो कम से कम भुखमरी से मरने के जो उनकी चांसेस है उनका यही कहना है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, जब पिछले साल लॉकडाउन आया था तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबा रहा था, कर्फ्यू रहा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस सब चीज बंद थी, तो लोगों को बहुत दिक्कत आई थी। उस समय सरकार ने भी जो भी लोग ऐसे थे, गरीबी तबके के लोग थे जिनका ऑलरेडी उसमें नाम भी था सर, तो उन सबको मुफ्त राशन जो देती है सरकार, वो सारी चीज़ें दी और बहुत सारी संस्थाओं ने और हमने भी अपनी तरफ से बहुत सहायता करी है। मगर इस बार जो है वो लॉकडाउन बहुत लंबा भी नहीं चला और बीच में उसका समय मिलता रहा। एसेंशियल तो जितनी भी सर्विसेज है या एसेंशियल ऑफिसेज हैं, चाहे वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो, जो सर्विस प्रोवाइडर भी है उनको शुरू से ही इसमें अनुमति थी कि वो काम कर सकते थे, और कुछ एक कॉर्पोरेट ऐसे थे कि जो वर्क फ्रॉम होम करना था जिनका, मगर गरीब लोग जो दिहाड़ीदार लोग थे तो उनके लिए बहुत दिक्कत थी, तो उसके लिए भी अभी जो व्यवस्था जिस तरह से सरकार ने करी है राशन की और चीज़ की, वो उनको समय पे बिल्कुल मिल रहा है। और डायरेक्ट सबसे बड़ी बात है जो उनका बेनिफिट है, उनके जो अकाउंट में जाने वाला बेनिफिट है वो उनके अकाउंट में जा रहा है, और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी अभी भी अभियान चल रहा है इनको राशन का वो बांटने का, तो हर कॉलोनी में जिस जिस एरिए में जो लोग नीडी है उनको वो सहायता दी जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि अब लॉकडाउन जो था बहुत लंबा इस बार का नहीं रहा और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, ऐसे में क्या लगता है कि अब जो चुनौती है वो कम हो गई है या खत्म हो गई है या फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही हमने देखी, अब अनलॉक की प्रक्रिया में लोग लापरवाही न बढ़ते उसको लेकर एक्शन प्लान क्या तैयार किया गया है? देखिए, चुनौती ये जो अभी कम नहीं हुई है, अभी थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा सतर्क रहना पड़ेगा और हमें पूरी तैयारियों के साथ चलना पड़ेगा, और मेरा शहरवासियों से भी यही निवेदन है, यही अपील है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, कोरोना केसेस कम आए हैं, इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है। ये किस तरह से वेव में, पहली वेव में आया, सेकंड में आया, अब थर्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा कि और भी भयंकर हो सकता है, मगर हमें पूरा अभी एहतियात बरतनी चाहिए, हमें वही मास्क जरूर पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी का जो प्रावधान है उसको, जो MHA की गाइडलाइन है उनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला है, रिलैक्सेशन दी है सरकार ने, तो लोग उसी तरह फिर भीड़ में जुटने शुरू हो गए हैं, मार्केटों में भी रश होना शुरू हो गया, तो हमें खुद को एहतियात बरतनी पड़ेगी, हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा और औरों को भी हम इसके लिए जागरूक करें। इससे बड़ा मुझे लगता है सरकार इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है कि हम पिछले 1.5 साल से हमें ये लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, हमें सिखाया जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो हम शहरवासियों की कुछ ड्यूटी बनती है, तो हमें अपने उन कर्तव्यों को समझते हुए ये सारी जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों के बचाव के लिए काम करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भी अपनी सहयोग को यहाँ पर दें और समझदारी से काम लें और कम से कम इस वक्त तो लापरवाही ना बरतें। अभी तक तो सर कोरोना महामारी था, फंगस भी आ गया, ऐसे में चंडीगढ़ इससे बचा रहे, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स में हर जगह की तैयारियाँ पूरी है। अभी आपने देखा कि जैसे ही पहले ऑक्सीजन की कमी आई थी, उसके बाद हॉस्पिटलों में बेड्स की, बहुत सारी चीज़ों की कमी आई, तो बहुत सारे जो NGO थे या और सामाजिक संस्थाएँ थी, उन्होंने साथ सरकार के साथ पूरा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, बराबर में हॉस्पिटल खोले और जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाए उन मरीजों को सुविधाएं देने के। इसी तरह से अभी थर्ड वेव की तैयारी के लिए भी हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारी है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि हमने DHS जो सेक्टर 16 से हमें रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने उनको 80 के करीब कंसनट्रेटर, उसके बाद 20,000 ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों घरों तक भी पहुँचाई है। और आगे आने वाली अगर कोई ऐसी वेव आती है, वैसे तो भगवान करे ऐसी दोबारा ना आए कोरोना महामारी की, यहाँ पे ही खत्म हो जाए, मगर अगर आती है तो प्रशासन की और हॉस्पिटल की चंडीगढ़ की पूरी तैयारी।
एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है रविकांत जी, चंडीगढ़ जो कि ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटन के क्षेत्र से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं दूर दराज से, खासतौर पर फिल्म शूटिंग्स के लिए लोग बहुत पहुँचते हैं, सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पर जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। अब जब अनलॉक हो रही हैं चीज़ें तो शूटिंग्स दोबारा से शुरू होंगी और ख़ासतौर पर सेलिब्रिटीज़ जो अमूमन मुंबई और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना का दंश झेला है जिस राज्य ने, ऐसे में किस तरीके से प्रोटेक्शन कवच जो है यहाँ पर सुरक्षा कवच आपने तैयार किया है, क्योंकि रोजगार भी लोगों का बना रहे, पर्यटन के क्षेत्र पर भी ज्यादा प्रभाव न पड़े और अनलॉक भी धीरे धीरे क्षेत्र होता रहे और इन सब के बीच संक्रमण से क्षेत्र को बचाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए जिस जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है उसमें जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें जो गाइडलाइन है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जा रही है। पहले 10 व्यक्ति इकट्ठे हो सकते थे, फिर 20 की आई, आज 30 बंदों तक की, कोई भी आपने कोई कार्यक्रम करना है तो 30 की संख्या से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये गाइडलाइन के माध्यम से और ये जो परमिशंस की बात है शूटिंग की या और चीज़ों के लिए, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और गाइडलाइन के बाहर जाके बिल्कुल भी किसी को भी कोई ऐसी परमिशन नहीं दी जाए कि जो गाइडलाइन को फॉलो ना करता हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ऐसी कोई परमिशन अभी तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि लोग शादियों के भी लिए अभी हमारे पास भी बहुत आते हैं कि 50 बंदों का करवा दो, 100 का करवा दो। तो हमने एक ही बात करते हैं कि कोरोना से बड़ी चीज़ आज की डेट में डर किसी चीज़ का नहीं। शादियां 20-30 बंदों के साथ हो सकती है, कोई वहां पे संक्रमण हो गया तो वो जो जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उसमें संक्रमित होंगे और उससे बीमारी और फैलेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखिए और लोग समझते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई गैदरिंग कोई नहीं करेगा। बिल्कुल रविकांत जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण यहाँ पर घट रहा है, केसेस अब बिल्कुल न के बराबर आ रहे हैं, पहले चुनौती थी कोरोना पर काबू पाना, लॉकडाउन को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाना, लेकिन अब सामान्य चीज़ें परिस्थिति हो रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि चुनौती खत्म हो गई है या फिर आज के दृश्य में देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके लिए? देखिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहना कि चुनौती खत्म हो गई है ये तो गलत होगा, क्योंकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अगर जिस तरह से कोरोना चल रहा है आज की डेट में जो हमारी रेशो आ रही है बहुत अच्छी, हमने इसके ऊपर काबू पाया है चंडीगढ़ में परिस्थितियों को इनको ठीक करने में, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे डॉक्टर्स ने सभी हॉस्पिटल ने बहुत ही अच्छा रोल अदा करा है और ये इसको अभी कंट्रोल में आया। अगर हम ये समझे कि ये कोरोना ख़त्म हो गया या इससे हमें अभी डर नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमी होगी या गलती होगी, हमें नहीं करना चाहिए। और कोरोना से अभी बचने के लिए हमें पूरी एहतियात जिस तरह से हम पहले बरत रहे थे ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक पूरा शहर हमारा वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हमें इन जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। बिल्कुल रविकांत जी, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर फरमाया है कि जब तक जड़ से हम खत्म नहीं कर देते इस बीमारी को तब तक बिल्कुल लापरवाही हमें नहीं बरतनी, लेकिन इन सबके बीच तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावना जताई जा रही है और उसको लेकर मैं जानना चाहूंगी तैयारी क्या कुछ की गई है और खासतौर पर रोड मैप जनता के लिए क्या प्लान किया गया। इस वक्त जो दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं उनको विस्तार से बताएं कि नगर निगम उनके लिए क्या कर रहा है और उन्हें किस स्तर पर आपका सहयोग करना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमने देखा है पिछले समय में हमारी जो लास्ट ईयर हमारी कमियां रही थी वो शायद सेकंड वेव में नहीं रही, जो सेकंड में रहेगी वो आने वाले समय में रहेगी। हम परिस्थितियों से ही सीखते हैं, पीछे क्या कमियां रही हैं उन सबको पूरा करा और अब थर्ड वेव की जो बात कर रहे हैं उस समय के लिए हमारे सब हॉस्पिटल्स की, इवन PGI की या सेक्टर जनरल हॉस्पिटल 16-32 की, सबकी पूरी तरह से तैयारियाँ हैं, डॉक्टर भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है उससे निपटने के लिए। अब मुझे लगता है पिछले 1.5 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस इससे जूझने का सबको मिल गया है, इवन रेजिडेंट को भी, डॉक्टर्स को तो खैर जो चीज़ हुई है वो एक्सपीरियंस आया ही है, मगर लास्ट ईयर जो था कि हमारे पास सिवाय पैरासीटामोल के या डोलो के कोई उपचार नहीं था, इस बार इंजेक्शन भी आए और सारी चीज़ें आई, वैक्सीनेशन आई, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। अगर किसी वैक्सीनेशन लगे हुए व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ भी है तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा वो घातक भी हुआ और वो बड़े आराम से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसकी बनी हुई थी तो उससे उसको नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इसी तरह थर्ड वेव जब तक आएगी या जिसकी आने की बात कर रहे हैं तो तब तक तो सेकेंड डोज भी मैक्सिमम लोगों को लग चुकी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान या ये कर पाएगी, मगर हमें एहतियात बरतनी है, हमें बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, हमें ये गाइडलाइन पालन करने की जरूरत है।
रविकांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। चंडीगढ़ की जनता को यहाँ से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि आने वाले समय में वो एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रह सके? देखिए, मेरा शहरवासियों से यही निवेदन है कि आपने जिस तरह से पिछले लगभग सवा साल से, डेढ़ साल से आप साथ दे रहे हैं, देश की सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइन अपनी दी थी स्टेटों को और आपने उसका पालन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग उसका आने वाले समय में भी पालन करेंगे और इसी तरह खुद को भी कोरोना से बचाइए और औरों को भी, औरों का भी बचाव कीजिए। खुद के साथ अपने परिवार, सखे संबंधी, दोस्तों मित्रों का भी जरूर ख्याल रखें, उनको भी समझाएं, उनको भी बताएं और ये गाइडलाइन 2 गज की दूरी और मास्क की दूरी ये जरूर हम पालन करें, यही मेरा निवेदन। बिल्कुल, हम भी समझते हैं कि जनता बहुत समझदार है और अपने विवेक का इस्तेमाल कर हर वो जरूरी कदम उठाएगी जो उनकी जिंदगी को सुरक्षित बनाएगा। बहुत शुक्रिया रविकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि क्या कुछ चुनौतियां कोरोना काल में आपके सामने रही और उन चुनौतियों से आज की तारीख में कैसे आप पार कर पा रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है, तमाम चीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना की बेकाबू होती हुई रफ्तार को हमने देखा है, उस पर सामने आए अस्पताल के बीमार हालातों को भी हमने देखा है, लेकिन उन तस्वीरों को दोबारा से दोहराया ना जाए, उस मंजर को दोबारा से हम ना जिए, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमें भी देना होगा, क्योंकि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और जिला स्तर पर नगर निगम काम लगातार कर रहा है, तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन अगर कहीं लूप होल है तो लोग जो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखिए, देश लगातार अनलॉक की प्रक्रिया में है, प्रदेश भी लगातार अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच लोगों को यहां से लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है यह समझना कि कोरोना भी जड़ से खत्म नहीं हुआ है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर गति दी जा रही है और उसमें सफलता तभी हासिल की जा सकेगी जब हम सब बढ़ चढ़कर वैक्सीन की दोनों डोज लेंगे। ऐसे में आखिरी संदेश इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल भी आपको यही देगा कि 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आज के ट्राई सिटी ई अधिवेशन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।